कांग्रेस पार्टी लीडरलेस पार्टी है, जैसे बीजेपी, बीजेपी मतलब राहुल गांधी को अगर हम प्रिंस टाइप देख ले कांग्रेस के, तो सिर्फ इकलौते आदमी हो जाते हैं, और बीजेपी के पास पूरी की पूरे एक असला है, बहुत सारे जनरल्स है। तो अगर हम लीडर के हिसाब से भी देखें तो कांग्रेस बहुत ज़्यादा कमजोर है, कांग्रेस बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो चुकी है। मोदी के आने से थोड़ा लोगों को धर्म के बारे में पता चला, लोग सनातन को जान चुके हैं। बीजेपी को लाएंगे, अभी तक के तो वादे ही करते आए कांग्रेस 10 साल से, उनके आँख खुली है क्या? इसके पहले भी तो कमलनाथ जी ने वादा किए थे कि 1 साल में कर्जा माफी किसानों का, हुआ क्या? धर्म की राजनीति तो कांग्रेस ने चालू की थी, अगर बहुत पहले देखे जब बीजेपी थी नहीं 1947 में। जाने के लिए रोड़े नहीं थे, बड़े मुश्किल से हम लोग आते थे। बड़े मुश्किल से आते थे आप। अच्छा, ये आप बताइए आपका क्या नाम है? मेरा नाम धर्मेंद्र पकड़वार है सर। यहाँ के रहने वाले हैं सर? मैं प्रिपरेशन करता हूँ, एक युवा हूँ, छात्र हूँ, मैं पढ़ाई करता हूँ, प्रिपरेशन करता हूँ, 4 साल से बालाघाट में रह रहा हूँ। क्या है माहौल, राहुल गांधी के साथ हैं या मोदी के साथ? सर जी हम राहुल गांधी के साथ हैं सर जी। क्या कारण है, क्यों? कारण इसका यह है सर जी, क्योंकि जो मोदी जो बीजेपी जो शासित राज्य है, बीजेपी सरकार ने जो घोषणा की थी 2 करोड़ रोजगार देंगे हर साल में, लेकिन रोजगार नहीं मिल रहा है सर जी, क्योंकि रेलवे की वैकेंसी 6 साल बाद आ रही है सर जी। रेलवे की वैकेंसी 2018 में आई थी, 19 में आई थी, इसके बाद से 5 साल तक के रेलवे की वैकेंसी का नामो निशान नहीं था। अभी रेलवे की वैकेंसी आ रही है तो पूरे देश में 4,000 वैकेंसी आ रही है। अभी लोको पायलट की वैकेंसी आई, 5,000 वैकेंसी आई, 1 करोड़ लोग फार्म भरते हैं, तो इसमें सर जी इतना कॉम्पिटिशन की होगा नहीं सर जी। ऐसा हम घर से रूम, हम यहाँ रूम से रहते हैं, घर से हमारे मम्मी पापा लोग पैसे देते हैं कि पढ़ेंगे लिखेंगे, क्योंकि तभी भी वैकेंसी नहीं आती तो हम क्या कर लेंगे सर जी। ऐसा रोजगार नहीं आती, सबसे बड़ा मुद्दा है रोजगार का है। बीजेपी सरकार धर्म की राजनीति करती है, लोगों को गुमराह करती है। हम कांग्रेस के साथ है और यहाँ निश्चित रूप से कांग्रेस के सांसद निश्चित रूप से यहाँ से निकलने वाले हैं। बीजेपी धर्म की राजनीति करती है सर जी। अच्छा, ये बताइए देश में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कौन लाया था? नेहरू जी ने लाए थे। नेहरू जी बीजेपी के थे कि कांग्रेस के थे? कांग्रेस के थे। देश में वक्फ बोर्ड कौन लाया था? नेहरू जी ने लाए थे। पर सर जी रोजगार बहुत बड़ा मुद्दा है। आपने कहा बीजेपी धर्म की राजनीति करती है, मैंने 2 सवाल आपसे पूछ लिए, अभी आपने बोल दिया कांग्रेस ने लाया था। नहीं सर जी, बात सही, पर रोजगार भी बहुत बड़ा मुद्दा रखता है ना सर जी, इतना सबके लिए मुद्दा है। लेकिन अभी आपने जो कहा कि धर्म की राजनीति बीजेपी करती है, उस पर मैंने आपको पूछ लिया कि वक्फ बोर्ड, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, ये कौन? धर्म हमारी संस्कृति है। दिनकर जी ने कहा है कि रोटी के बाद मनुष्य की सबसे बड़ी जरूरत उसकी संस्कृति होती है, तो हम भी संस्कृति से जुड़े हैं। पर रोजगार बहुत बड़ा मुद्दा है, महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है, ये देख के हमने राहुल गांधी हमारी पहली पसंद है, ये है सर जी हमारी। अच्छा, तो आपने अभी जैसे धर्म की बात की है, मैनिफेस्टो देखा आपने कांग्रेस पार्टी का? है सर जी, मैनिफेस्टो देखा ना, 8,000 रुपये, 8,500 रुपये महीना महिलाओं को दिया जाएगा, युवाओं को 1,00,000 रुपये सालाना दिया जाएगा, कोई इंटर्नशिप के थ्रू किसी कंपनी में भेजा जाएगा। मुझे 2-3 बातें याद है ऐसे सर। मोदी जी ने इंटर्नशिप के लिए तो बहुत पहले ही ला चुके हैं ना, ये मतलब आप क्या कहेंगे वो रोजगार पर? सर रोजगार देखो, गवर्नमेंट जॉब भारत में 2.62% जितने नागरिक है उसके तो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, और इससे ज़्यादा किसी दूसरे देश में है नहीं, तो वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि मतलब भारत में 2.62 से मतलब अब और इससे ज़्यादा गवर्नमेंट एम्प्लॉय रख नहीं सकती गवर्नमेंट। अगर इससे ज़्यादा रखने की कोशिश करेगी इकोनॉमी डिस्ट्रॉय हो जाएगी, तो गवर्नमेंट जॉब की उम्मीद करना तो बहुत बेकार। जैसे मैं अभी ज्योग्राफी से एमए कर रहा हूँ, अब मैं चाहूँ तो या असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्ज़ाम दे सकता हूँ या फिर प्राइवेट इंस्टीट्यूटों में पढ़ा भी सकता हूँ। प्राइवेट इंस्टीट्यूट में अगर मेरे पास स्किल्स अच्छे होंगे तो मेरी जो तनख्वाह है वो 5,00,000-6,00,000 या उससे भी ज़्यादा होगी, गवर्नमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा 1,00,000 होगी। तो मैं चाहूँगा कि मैं पहले गवर्नमेंट की तैयारी करूँ ताकि मेरी जॉब कम से कम फिक्स हो, बट अगर मेरे पास स्किल्स होगी तो मेरे को गवर्नमेंट का वेट नहीं करना पड़ेगा, मैं प्राइवेट में भी बहुत अच्छी जॉब कर सकता हूँ। और बात आती है राहुल गांधी की, तो राहुल गांधी या फिर कांग्रेस पार्टी लीडरलेस पार्टी है, जैसे बीजेपी, बीजेपी मतलब राहुल गांधी को अगर हम प्रिंस टाइप देख ले कांग्रेस के, तो सिर्फ इकलौते आदमी हो जाते हैं, और बीजेपी के पास पूरी की पूरे एक असला है, बहुत सारे जनरल्स है। तो अगर कल को मोदी जी नहीं रहते या फिर मोदी जी के अलावा भी उनके मंत्रिमंडल में बहुत सारे अच्छे अच्छे नेता हैं जो कि देश को संभाल सकते हैं, और कांग्रेस के मंत्रिमंडल में राहुल गांधी के अलावा और कोई दिखता ही नहीं है। तो अगर हम लीडर के हिसाब से भी देखें तो कांग्रेस बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। अब व्यवस्था की बात करें, जैसे बीजेपी अभी यहाँ इतना अच्छा कार्यक्रम ऑर्गेनाइज करवा पा रही है, और कांग्रेस का लगभग पिछले 10 साल में कोई भी बड़ा कार्यक्रम ऐसा मैं गिन नहीं सकता कि बालाघाट में हुआ हो। तो बीजेपी मतलब हर तरह से अभी बहुत मजबूत पार्टी है, और कांग्रेस बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो चुकी है। कांग्रेस को जो आरोप लगते हैं, जैसे इन्होंने भी आरोप लगाया कि धर्म के नाम पर राजनीति करते हैं, धर्म के नाम पर बीजेपी राजनीति, धर्म की राजनीति तो कांग्रेस ने चालू की थी, अगर बहुत पहले देखे जब बीजेपी थी नहीं 1947 में, तो देश के बंटवारे के टाइम पे उस टाइम बहुत अच्छे अच्छे फैसले लिए जा सकते थे, जो कांग्रेस के पास ऑप्शन थे, बट कांग्रेस ने कभी वो बड़े फैसले लिए ही नहीं। जैसे कि
उस टाइम पहले ही जब कमीशन आए थे अगर उनको एक्सेप्ट कर लेते और बाद में फिर व्यवस्था को सुधारने की कोशिश करते, पहले सत्ता अपने पास लेते और उसके बाद व्यवस्था को सुधारने की कोशिश करते, कांग्रेस ऐसे बहुत सारे काम कर सकती थी। तो धर्म की राजनीति कांग्रेस तो बहुत पहले से ही करे आ रही है और अब जब बीजेपी मजबूत हो चुकी है, बीजेपी मंडल और कमंडल की राजनीति भले ही बीजेपी ने की है पर बीजेपी उसके कारण ही खड़ी हो पाई है और उसी के कारण मजबूत हो पाई है। आज भले ही बीजेपी राम मंदिर की राजनीति कर रही है बट ये मुद्दे ढूंढे बीजेपी ही ने थे, तो कांग्रेस को भी अपने ऐसे ही मुद्दे ढूंढने पड़ेंगे। कांग्रेस के पास ऐसे कोई मुद्दे नहीं है, बहुत सारे अच्छे अच्छे मुद्दे हो सकते थे जो कि कांग्रेस को लाने चाहिए थे बट कांग्रेस बहुत फालतू मुद्दों में उलझी हुई है, जैसे कि अपनी जो वो हुई थी स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक हुई थी उसके बारे में कांग्रेस सबूत मांग रही थी, मतलब बहुत ही फालतू मुद्दे कांग्रेस जो लाने की कोशिश कर रही है, तो इसके साथ कांग्रेस का सक्सेस होने का परसेंटेज बहुत कम हो जाता है। कहेंगे रिप्लाई इस पर सर जी, उन्होंने बोले कि हाथ पैर फूल गए बाप, तो उन्होंने बोले सर जी कि उन्होंने बोले सर जी कि बीजेपी ने भी लाए थे जो एक लाख सालाना जो बोले थे। अभी भैया बोल रहे हैं कि ऐसा अभी राम की बात कर रहे हैं, राम जैसा मंदिर अयोध्या की बात कर रहे हैं, मोदी जी हमारे एक राष्ट्रीय मतलब बोले तो प्रधानमंत्री जी है, मोदी जी ने जो हमारे भारत में जो राम लल्ला आए हैं बहुत अच्छा काम किए हैं और बहुत बड़ी खुशी की बात है। राम जी ने जब राम जी को लाए तो सीता जी को क्यों नहीं लाए, सपोर्ट करो, क्यों नहीं लाए, क्यों नहीं लाए लक्ष्मण को, क्यों नहीं लाए? अरे सुनिए सुनिए, आप पहले ये अरे समझिए, वो जो मंदिर में प्रतिमा लगी है वो बाल रूपी राम है, 5 वर्ष के राम लल्ला, राम 5 वर्ष जी के राम है तो 5 वर्ष जी की भी तो सीता जी है। शादी के बाद ही तो सीता जी आएंगी भैया, शादी के बाद, और वो ऊपर पहले फ्लोर पर रहेगा राम जी आपकी। एक चीज और है, मोदी के आने से थोड़ा लोगों को धर्म के बारे में पता चला, लोग सनातन को जान चुके हैं। अच्छा, सुनो ये जो आपने कहा, पहले नाम बताओ आप। आलोक बर्वेकर। कहाँ के रहने वाले? मोवाड़िया आरम्भ। आपने जो कहा ना कि अब ये राम मंदिर बनने के बाद, बीजेपी आने के बाद लोग थोड़ा जो है, अभी कल की स्टेटमेंट सुन लीजिए, अब इस पर मैं आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगा फिर उनके पास आऊंगा। एक समय था जब कांग्रेस पार्टी ने भगवान राम के अस्तित्व पर सवाल उठाए थे और राम सेतु को तोड़ने की बात कही थी, अब उसी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव बोलते हैं कि राम के असली पुजारी हम कांग्रेस वाले हैं, बीजेपी वाले राम भगवान के व्यापारी हैं। तो जब स्थापना थी वहाँ पे, मतलब प्राण प्रतिष्ठा थी, तो कोई भी कांग्रेस का नहीं दिखाना वहाँ, तो क्यों नहीं गए फिर उस टाइम? अरे राजनीतिक कार्यक्रम तो ऐसा तो ना, ऐसा फिर क्या, उनने लाए तो फिर बीजेपी लाए तो 70 साल से क्यों नहीं बनाए थे फिर इनने राम मंदिर? तो अस्तित्व पर भी सवाल उठा दिए थे। अरे उठाने की बात छोड़ी, जब इनकी सरकार थी तो इनको बनाना था ना, 70 साल तक पूरा इनने शासन पे, पूरा राज किए देश पे, आज तक एक मंदिर नहीं बना पा रहे थे क्या? तो विपक्ष में वकील खड़े करके रखे थे ना इनने, तो विपक्ष में वकील खड़े के रखे, वकील खड़े किए थे। हाँ विपक्ष में वकील खड़े के रखे, बन गया तो हमारा, और नहीं था तो बोले कौन राम। अब जैसे आपने बीजेपी का ये कार्ड पहना, कह रहे हैं बीजेपी वाले व्यापार करते हैं राम मंदिर के नाम पर, कांग्रेस वाले असली पुजारी हैं राम जी। ऐसा था तो वही तो मैं इनसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, 70 साल से क्यों नहीं बनाया, जब ऐसा था तो मस्जिदें बनती गई सब होते गया, तो राम मंदिर का नाम नहीं ले रहा था कोई, जब बन गया तो बोल रहे कि हम भी इनके पुजारी हैं, ऐसा थोड़ी होता है। अच्छा सैम पित्रोदा का नाम सर आपने सुना होगा, राजीव गांधी के सलाहकार थे, ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, राहुल गांधी जब भी विदेश जाते हैं सारे कार्यक्रम वही आयोजित कराते हैं। उन्होंने कहा है कि जो हमने घोषणा पत्र जारी किया है कांग्रेस ने, हम जो योजनाएं लाएंगे, जो काम करेंगे, वो हम और मिडलमैन से पैसा वसूलेंगे, मिडलमैन बहुत सेल्फिश है इस देश का, उनसे पैसा लेंगे फिर हम सब योजनाएं पूरी करेंगे, कांग्रेस कह रही है। कोई योजना नहीं है, सब फर्जी कुमार, टैक्स के रूप में ले ले हो सकता है। टैक्स के रूप में ही लेंगे वो तो लेंगे ना, ये कौन सा, ये भी सरकार भी तो टैक्स के रूप में ले रही है ना, उसमें क्या दिक्कत? महंगाई है नहीं है? महंगाई तो सोच लो सर, की कपड़ा बेचने के नौबत आ गए, और क्या है, महंगाई है या नहीं? बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। तो कांग्रेस तो कह रही है और हम टैक्स वसूलेंगे, नहीं अभी तो उसका क्या है स्टेटमेंट है कुछ क्या आपके? सैम पित्रोदा का स्टेटमेंट है कांग्रेस ओवरसीज की गरीब और पैसा, गरीबी को खींच खाच के नीचे ला रहा है, 10% पैसा लेंगे कैसे? अभी स्टेटमेंट हम देखे नहीं है, अभी देखिए ना स्टेटमेंट ना, गरीबों से लेना और अमीरों को देना है, ऐसी बात हो गई है। तो सब तो अब वो खुद अपना एयरपोर्ट बना लिया, अभी क्या होने? मुझे ये बताओ, अभी तेलंगाना में अडानी को प्रोटेक्ट दिया, तेलंगाना में सरकार किसकी? मुझे इतना नॉलेज नहीं है सर, नॉलेज नहीं है, कांग्रेस की। अब सुनते जाइए, हिमाचल में अडानी को प्रोटेक्ट दिया, सरकार किसकी? हाँ वो भी कांग्रेस। सुनते जाइए, अशोक गहलोत सरकार ने 60,000 करोड़ का प्रोजेक्ट दिया अडानी को, सरकार किसकी? कांग्रेस की, कांग्रेस ही अडानी को प्रोजेक्ट। सर वो ठीक है, आप सुनिए सुनिए,
एक बेचते टाइम तो सबसे पूछते हैं तुम लोगे क्या, तुमने नहीं लिया तो अदानी को बेचा। बोल सकता हूँ आप मेरा बात रख सकते हैं कि नहीं? देखो ठीक है, बढ़िया है, राम को लेके है बहुत अच्छा है, हमारे आराध्य को लेके है बहुत। अडानी पर अभी सुनो तो, एक मिनट सुनिए, मैं उसके ऊपर भी आऊँगा अगर बात, अगर आप बात करेंगे तो। मैं बोल रहा हूँ कि राम को लेके बहुत अच्छा है, हमारा 500 साल से जो रुका हुआ था लेकर आए बहुत अच्छा है, पर अभी बालाघाट जिला में आ रहे, दूसरी बार है, इससे पहले प्रधानमंत्री बनने से पहले भी आए थे। बालाघाट जिला से इतना पलायन होता है, यहाँ पे ना रोजगार है लोगों के लिए, ना कुछ है, ना कुछ है। अब कहने के लिए मुद्रा योजना तो निकाल दिए, बैंक में जाओ 8000 प्रकार के डॉक्यूमेंट्स मांगते, वो साला आदमी वही मर जाता है। आधा डॉक्यूमेंट मांगते हैं भाई, क्या है वो 90 मिनट वाला, क्या 90 मिनट ऐसे कुछ है ना कि 90 मिनट में लोन सेक्शन होता ही नहीं है, वैसा तो होता ही नहीं है। ये क्या है 50 प्रकार के डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे, ऐसा हो रहा है वैसा, नौजवान को नौकरी तो मिल नहीं रही है भाई। अग्निवीर में ऐसी 4 साल 5 साल के बाद अभी तो निकालना चालू हो गया, अभी कुछ दिन पहले न्यूज आया था निकालना भी चालू हो गया अग्निवीर वाले को। अग्निवीर को 4 साल हो गए? हाँ 4 साल हो गए, और क्या है अभी 1 साल बाद निकालना भी चालू हो जाए तो ये है ठीक नहीं भाई। सर अग्निवीर में सिपाही अपने को ऑलरेडी ज्यादा चाहिए, तो कैसे नहीं निकाल लेंगे 4 साल बाद? आप जब बोल रहे थे वो नहीं बोल रहे थे, आप बोलते हैं। देखो भैया अग्निवीर में अपने को सिपाही ज्यादा जरूरत पड़ेगी, क्योंकि अपने सामने चाइना जैसे बड़ा देश है, पाकिस्तान जैसे बड़ा देश है, अगर अपन अपनी इकोनॉमी का बहुत बड़ा हिस्सा फौज में खर्च करना चालू कर देंगे तो कैसे इकोनॉमी चल पाएगी, तो हमको अग्निवीर की ज्यादा से ज्यादा मात्रा में जरूरत पड़ेगी ना। 4 साल बाद जिनको निकाला जा रहा है, अगर कभी बाद में जरूरत पड़ती है तो उनको वापस भी लिया जा सकता है, तो हमारे पास जितने ज्यादा। सर रोजगार, अब रोजगार वही तो बोल रहा हूँ मैं, रोजगार कितना दे देगी गवर्नमेंट? 2.62% ऑलरेडी दे के रखी है, इससे ज़्यादा अगर देने की कोशिश करेगी तो क्या हो पाएगा? और अग्निवीर का मुद्दा वही है कि 4 साल से ज़्यादा अगर रखेंगे तो। भैया जब आप बोल रहे थे कोई बोल रहा था क्या बीच में? सुनने की भी तो क्षमता रखिए। ओके ओके ओके, मेरे साथ ये मेरा अनुभव है, जब भी कोई कांग्रेस वाला मिलता है वो सुनने की क्षमता नहीं। सुनो मैं कांग्रेस का नहीं हूँ ना बीजेपी का नहीं हूँ, मैं आम जनता हूँ इसलिए बोला आप। मैं बीजेपी से भी नहीं हूँ कांग्रेस में, काहे के लिए आता समाजवादी पार्टी का हूँ। चलिए ठीक है, तो सभी सभी लोगों की राय आप कुछ नहीं सर, ठीक है सब। राहुल गांधी को लाएंगे इसमें? नहीं सर, बीजेपी को लाएंगे। राहुल गांधी को क्यों नहीं लाएंगे? क्यों सर, क्या किए तो आज से 70 साल तक के जो राज किए उसमें कुछ नहीं कर पाए, और लाएंगे तो और क्या कर लेंगे? वादे कर रहे हैं कर्जा माफी करेंगे, वादा करना बहुत आसान बात है पर करना बहुत मुश्किल बात है। अभी तक के तो वादे ही करते आए कांग्रेस 10 साल से, उनके आँख खुली है क्या? जो मोदी जी आ गए देश में तो आँख खुली है क्या उन लोगों की जो वादे कर रहे हैं और अपने वादे पे खड़े हो रहे हैं? इसके पहले भी तो कमलनाथ जी ने वादा किए थे कि 1 साल में कर्जा माफी किसानों का, हुआ क्या? 18 महीने सरकार रहने के बावजूद भी कोई कर्जा माफी? फिर से इस चुनाव में कर्ज माफी कही है उन्होंने, हम करें। कांग्रेस ने कर बोली थी कि अभी भी कर्जा माफी करेंगे करके, पर अभी तो आई नहीं, अभी तो आई नहीं तो उनका सवाल ही नहीं उठता कि अब कर्जा माफी का। अभी तो बीजेपी की सरकार है ना मध्य प्रदेश में, तो मैं कुछ नहीं कहना चाहती सर। मेरे पापा, मैं वर्षा लाहौरी हूँ, लाल बर्रा से रहती हूँ, अमोली मेरा गांव है, और सर मैं मेहतर कास्ट की हूँ और मेरे पापा स्वीपर है, और उन्हें 5-6 सालों से निकाला गया है और पंचायत में भी कोई वर्कर नहीं है, तो मेहतरों की इज्जत होती क्यों नहीं है सर? होनी चाहिए ना। तो क्या मांग आपकी, एक बार मांग सर? मेरे पापा को फिर से नौकरी में लेना चाहिए, और हमारे लाल बर्रे में नगर पालिका होनी चाहिए, और लड़कियों के लिए भी कुछ करना चाहिए सर। तो ये बालाघाट में आपने सभी लोगों की राय यहाँ पर सुनी है, अब आपकी इस पूरी चर्चा से जो भी कहना हो आप जरूर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। 19 अप्रैल यानी कि पहले चरण का मतदान यहाँ पर है और 5 सीटों के साथ में, और देखना होगा कि अब जो है कितने परसेंट वोटिंग होती है, उस हिसाब से जो है वो तय होगा कि एग्जिट पोल का रुझान किस तरफ जाएगा। अब आपकी इस पूरी चर्चा से जो भी कहना हो आप जरूर कमेंट बॉक्स में शेयर करें, और देखते रहे जनता का सर्वे लोकसभा चुनाव 2024 का द न्यूज़ पर।